फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, इसकी स्किन रिटचिंग हम लोग एक यूनिक तरीके से आज करेंगे और बहुत ही कम टाइम में। आप चाहेंगे तो सिर्फ 2 मिनट में इसके पूरे फेस की स्किन रिटचिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका देखिए तरीका। आप इसकी 3 कॉपी बना लें, 3 कॉपी बना लें और सभी को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। बैकग्राउंड लेयर को आप रहने दें वैसे ही। इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले को भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ से कन्वर्ट कर लें और उसके बाद ऊपर वाले के आई बॉल को आप बंद कर दें। यहाँ से नीचे वाले लेयर पे आ जाएं इसके, और यहाँ से फिल्टर गैलरी में आ जाएं, ब्लर में आ जाएं, और उसके बाद यहाँ से गॉशियन ब्लर पे आ जाएं। और इस फोटो के हिसाब से मैं 20 रेडियस रखता हूँ। आप अपने फोटो की क्वालिटी के हिसाब से रेडियस बढ़ा या घटा सकते हैं। तो 20 पिक्सल्स रेडियस इसको हमने यूज़ किया। अब उसके बाद ये हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसलिए रखा था ताकि ये अलग से मुझे एक फिल्टर का स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, इसलिए हमने रखा था। अब उसके बाद ऊपर वाले इस इमेज पे आ जाते हैं और इसके आईबॉल को ऑन करते हैं और इसके मोड को यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं विविड लाइट में, ठीक है। और उसके बाद फिल्टर में हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पर, और इस बार अदर में आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हाई पास। इसको क्लिक करिए और उसके बाद इस इमेज के हिसाब से मैं 3.0 पिक्सल रख रहा हूँ इसका रेडियस, और ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये ऊपर वाले टॉप लेयर को और ये नीचे वाले लेयर को, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लें और इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। कंट्रोल जी से ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद इसमें एक लेयर मास्क लेंगे यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके। ध्यान रखें कि ऑल्ट प्रेस करके इनवर्स लेयर मास्क होता है, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनवर्स लेयर मास्क हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कितना आसानी से इसका हम लोग स्किन रिटचिंग करते हैं। इस थंबनेल को एक्टिव रखेंगे और यहाँ से आप ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसका हार्डनेस को 0 कर देंगे और यहाँ पर मोड को नॉर्मल रखेंगे, ओपेसिटी 100%, फ्लो को भी आप 100% रख सकते हैं और ब्रश के साइज़ को आप बड़ा कर लें थोड़ा सा। और देखिए कैसे हम लोग करते हैं, बस इसको आप पेंट कर दें। अब ब्रश के साइज़ को छोटा कर लें एजेस को पेंट करने के लिए, इस तरह से आप ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा और छोटा करें और यहाँ से फ्लो को थोड़ा कम कर दें आप, ताकि इसके एजेस पे जो एरिया है उसको आसानी से हम लोग पेंट कर सकें। अब देखिए इस इन सभी एरिया को पेंट करिए आप। ब्रश के साइज़ को थोड़ा और छोटा करें, यह पूरा पेंट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ओरिजिनल दिखाने के लिए यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आप कम कर दें। ये 100% है, इसको आप 80-90% के आसपास रख लें। इसको मैं 80% करता हूँ, ये देखिए ओरिजिनल दिखने लग जाएगा। अब देखिए पहले और अब में कितना फ़र्क हो गया है। पहले ये इमेज ऐसी थी और अब ये ऐसी है। तो बहुत ही आसानी से 2-3 स्टेप में स्किन रिटचिंग किया जा सकता है। अगर इमेज की क्वालिटी फिर भी ठीक है, थोड़े बहुत रिटचिंग की ज़रूरत हो तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इससे आप बहुत जल्दी और आसानी से स्किन रिटचिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये ट्यूटोरियल आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।